तो हेलो फ्रेंड्स, आज किस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बताया था कि अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वो वीडियो बहुत पहले बनाया था और किसी कारणवश उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा। आज दोबारा इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ब्रांड अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ब्रांड अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ब्रांड अकाउंट जो आपका यूट्यूब चैनल होता है तो इसी यूट्यूब चैनल को आपको ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। अब दोस्तों, इसकी प्रोसेस क्या होती है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी ब्रांड अकाउंट बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं, यानी कि ब्रांड अकाउंट से हमें क्या लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल में देखिए, जब आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपने यूट्यूब चैनल को बनाया है तो उस जीमेल अकाउंट को आप हटा करके दूसरे जीमेल अकाउंट लगा सकते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ, आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक जीमेल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं कभी भी, यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और दोस्तों, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर एक मैनेजर रख सकते हैं। मान चलिए कि भविष्य में आपका चैनल बड़ा हो गया, मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो फ्रेंड्स अब आप अकेले अपने यूट्यूब चैनल पर काम नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ वर्कर्स रखने होंगे, ठीक है। उन वर्कर्स को मैनेजर कहते हैं और एडिटर कहते हैं, तो जो कि दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर काम करेंगे, वीडियो आप शूट करेंगे, बाकी काम वो करेंगे, जैसे कि वीडियो अपलोडिंग, वीडियो टाइटल और एडिटिंग सब कुछ वही करेंगे, आप उनको मंथली कुछ पेमेंट देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप एक टीम बना सकते हैं और उस टीम का हर एक मेंबर आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रह सकता है। आप अपने यूट्यूब चैनल के लीडर रहेंगे और वो जो आपके मेंबर हैं तो वो सब मैनेजर के रूप में काम करेंगे, एडिटर के रूप में काम करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आप ना ही मैनेजर रख पाएंगे और ना ही अपने यूट्यूब चैनल की जीमेल अकाउंट को चेंज कर पाएंगे। और हाँ, ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड और रिमूव मैनेजर का, ठीक है ना। तो ऐड और रिमूव मैनेजर आने के बाद दोस्तों आप ये दोनों प्रोसेस कर सकते हैं और अपने लिए एक मैनेजर कैसे रखना है, यानी कि एक एडिटर कैसे बनाना है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। मैंने एंड फ्रेंड्स, जो पहली चीज़ है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर जीमेल अकाउंट को कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, तो उसका वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है। लेकिन दोस्तों, यदि ज़रूरत पड़ी और यदि आप लोगों की डिमांड हुई, यदि आप लोगों ने कमेंट किया, तो दोस्तों वो वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये सारा काम जो है आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, तो पूरे स्टेप जो है वो आप सही तरीके से समझेगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद youtube.com आप सर्च करेंगे तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद जो है आपको सिंपल अपने प्रोफाइल लोगो पे क्लिक कर लेना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो उसे आप डेस्कटॉप मोड में पहले कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो है जैसे ही आप लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको YouTube स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको YouTube स्टूडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे जो है हमारे सामने YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद जो है जो आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे ही आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ytips9353@gmail.com और यहाँ पे जो हमारे चैनल का नेम है वो है ytips। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, तो इसी चैनल को जो है हम ब्रांड अकाउंट पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो चलिए प्रोसेस जानते हैं पूरा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड कंटेंट प्लेलिस्ट एनालिटिक्स कमेंट्स और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे। तो सिंपल आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जनरल चैनल का ऑप्शन मिलता है। तो चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पे आपको मैनेज यूट्यूब अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पे आपकी आईडी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल हमारे चैनल यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें
ऐड और रिमूव का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्रिएट एक न्यू चैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी हमने ब्रांड अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आपके चैनल पे पहले से ब्रांड अकाउंट होता है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। आपको सिंपल अपने प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करना है और स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी जीमेल आईडी के नीचे यहाँ पे आपको दो चैनल देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में है कि आपका जो एक चैनल है वो ब्रांड अकाउंट है और एक जो है वो आपका नॉर्मल चैनल है। तो अभी जो है ये हमारा नॉर्मल चैनल है, तो यहाँ पे हम ब्रांड अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्रिएट ए न्यू चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट ए न्यू चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने चैनल नेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम YT टिप्स जो है इसका नेम रख लेते हैं 2.0। जैसे कि नॉर्मल चैनल का जो नाम है वो है YT टिप्स, तो हम YT टिप्स 2.0 रख लेते हैं। देन उसके बाद इसे टिक कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रांड अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें जो है इसे वेरीफाई करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस कॉल का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे उस पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो ब्रांड अकाउंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि YT Tips 2.0 यानी कि हमारा ब्रांड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा YT Tips है और एक YT Tips 2.0 है। तो ये जो सेकंड वाला चैनल है ये हमारा ब्रांड चैनल है यानी कि ब्रांड अकाउंट है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चैनल है वो हमारा नॉर्मल चैनल है। तो यहाँ पे जो है ब्रांड अकाउंट पे कैसे हम अपने जो नॉर्मल चैनल है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस पे, ताकि जो हमारा ऐड और रिमूव मैनेजर का ऑप्शन है वो भी इनेबल हो जाए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ये वाला चैनल है सेकंड वाला चैनल ये सिलेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो चैनल है जो आपका नॉर्मल चैनल है उस पे क्लिक करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे आप जो पॉइंट है वो सही तरीके से समझिएगा। तो अभी जो है हम यहाँ पे प्रोफाइल लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला जो नॉर्मल चैनल है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से प्रोफाइल लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारे यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल चैनल YT टिप्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पे जो है हम फिर से चैनल में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे जो है हमें फिर से मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही पेज आ जाएगा जो पहले आया था, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड और मैनेज योर चैनल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो इस पे क्लिक करके जो है आप अपने ब्रांड अकाउंट को एंड यहाँ पे अपना जो नॉर्मल चैनल है उसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये हमारा नॉर्मल चैनल है और ये हमारा ब्रांड अकाउंट है। सो गाइस ये कैसे आप जो है अपने ब्रांड अकाउंट पे इसे शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका ऐड और रिमूव मैनेजर का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मूव चैनल, तो आपको यहाँ पे मूव चैनल टू ए ब्रांड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको यहाँ पे अपने जो आपकी जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर कर देते हैं, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा मूव योर यूट्यूब चैनल टू ए डिफरेंट अकाउंट। तो आपको जो है आपका चैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितनी वीडियोस हैं आपके चैनल पे, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारा डाटा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने प्लेलिस्ट बनाई होगी। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे आपका ब्रांड अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कैसे आप अपने नॉर्मल चैनल को ब्रांड अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं उसके लिए आपको सिंपल रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपका ब्रांड अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल जो है आपको आई अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डिलीट चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रांड अकाउंट पे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है, तो ऐसे में जो है अगर हम डिलीट चैनल कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम सिंपल डिलीट चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हम मूव करना चाहते हैं, हम इस चैनल को जो है अपने ब्रांड अकाउंट पे मूव करना चाहते हैं, सिंपल हम मूव चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम मूव चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर यूट्यूब चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव। तो हमारा जो चैनल है वो सक्सेसफुली मूव हो जाएगा, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो है हम यहाँ पे जाते हैं अपने प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्विच अकाउंट के ऑप्शन
पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जीमेल आईडी है ytips9353@gmail.com। तो अब जो है जो हमारा ytips वाला चैनल था वो यहाँ पे मूव होके जा चुका है हमारे ब्रांड अकाउंट पे, क्योंकि नीचे जो हमारा ब्रांड अकाउंट था तो आप देख सकते हैं ytips2.0 पे हमारे 5 सब्सक्राइबर्स मूव हो चुके हैं और जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे YTTip 2.0 को सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे हम इसके प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करके अपने YouTube स्टूडियो में जाते हैं। तो सिंपल YouTube स्टूडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे सामने जो है YTTip 2.0 का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमें वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जो कि हमने अपलोड की हुई है। तो फर्स्ट टाइम आप जैसे ही ब्रांड अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि YT 2.0 जो है वो यहाँ पे YTTips बन चुका है, क्योंकि नेम भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है हमारे चैनल का। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप फुली मूव कर सकते हैं अपने नॉर्मल चैनल को ब्रांड अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल का जो नेम है वो भी YTTips आ चुका है। मैं आपको फिर से प्रोफाइल लोगों के ऑप्शन पे क्लिक करके स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा सेकंड वाला चैनल था वो यहाँ पे ब्रांड अकाउंट था। सो इस तरीके से जो है आप अपना ब्रांड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने चैनल को जो है मूव कर सकते हैं ब्रांड अकाउंट पे। देन उसके बाद जो है ब्रांड अकाउंट में आपको जो है एड और रिमूव मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो इनेबल हो जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में आने के बाद चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो न्यू पेज ओपन होगा उसमें आपको ऐड और रिमूव मैनेजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऐड और रिमूव मैनेजर का ऑप्शन मिल गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।